वाराणसी से अंकुर मिश्रा पत्रकार की खास रिपोर्ट। पीएम का जन्मदिन। काशी में भाजपा की युवा भावी पार्षद प्रत्याशी अनित सिंह ने केक काटकर मनाया पीएम का जन्मोत्सव। प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिवस है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर उनके जन्मदिन का जश्न मनाया गया। केक काटने के बाद 72 वरिष्ठ लोगों का सम्मान अनिल राजभर और अनीत सिंह लालू द्वारा किया गया। पीएम की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ कर केक काटा गया। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 72वें जन्मोत्सव पर युवा वर्ग में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा वर्ग अपने हाथों में उनकी फोटो और नमो लिखवा कर टैटू बनवा रहे हैं। क्षेत्र में मिठाई बांटने के साथ ही केक काटे गए। काशी के लोग आज कुछ अलग अंदाज में अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। अनीत सिंह लालू द्वारा 11 स्ट्रिप लाइट का भी वितरण शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिसौर भवानीपुर में किया गया। पीएम ने दिया ऐतिहासिक रिटर्न गिफ्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश ही नहीं बल्कि उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी धूमधाम से मनाया गया। पीएम ने तमाम मौकों पर काशी को रिटर्न गिफ्ट देकर शहर को वैश्विक पहचान दिलाने में सफलता हासिल की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। एक और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मना रहा है। शामिल प्रमुख लोगों में एडवोकेट व भावी पार्षद प्रत्याशी शिवपुर अनित सिंह लालू सिंह दीपक मिश्रा उपस्थित रहे। व अंत में पीएम के जन्मोत्सव सभी क्षेत्र वासियों व ग्राम वासियों को भोजन करा के कार्यक्रम का समापन भी किया गया। मैं अनित कुमार सिंह, मैं वार्ड संख्या 49 पिसौर वार्ड से भावी सभासद प्रत्याशी हूं और हम लोगों ने पूरे क्षेत्र की तरफ से मोदी जी का भव्य केक काटा, जन्मदिन मनाया, क्योंकि हमें मानते हैं और हमने पूरी जनता, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया मानती है कि कहीं न कहीं मोदी जी जैसे आज 17 सितंबर है,
17 सितंबर को जैसे शिल्पकार दिवस मनाया जाता है विश्वकर्मा जी का, उसी तरह मोदी जी भी हम लोग के शिल्पी हैं। जिस तरह से वो देश की रचना कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, हम लोग बहुत उनसे प्रभावित हैं और पूरी दुनिया प्रभावित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जी बताइए, हम लोग और इस समय पूरी दुनिया की निगाह केवल एक नेता पे है जो सर्वमान नेता है, वो हमारे माननीय मोदी जी। मोदी जी के ही छत्रछाया में पूरा विश्व आज एक मतलब सफल नेतृत्व देख रहा है, और कोई ऐसा दुनिया का नेता नहीं है जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। आज आपने कैवा जन्म दिवस मनाया प्रधानमंत्री, हम लोगों ने कौन मुख्य अतिथि थे आपके? हम लोगों ने आज 72वां जन्म दिवस मनाया है, और हम लोग के उत्तर प्रदेश के माननीय श्रम मंत्री कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे। किस तरीके से आयोजन किया आप लोगों ने आज केक काट कर, किस तरीके से खुशियां मनाई? केक काट के हम लोग बहुत हर्ष मतलब अंदर से महसूस कर रहे हैं, और कई वरिष्ठों का हम लोगों ने सम्मान वगैरह भी किया जो बुजुर्ग हैं और जो जिनका समाज के प्रति कहीं ना कहीं कुछ योगदान है, और यहाँ पे बहुत से संगठन के लोग भी उपस्थित थे, प्रदेश कार्यकारिणी से मेरे पितातुल्य अवधेश सारथी जी हैं, पितातुल्य मेरे आनंद मिश्रा जी हैं, महानगर मंडल अध्यक्ष थे सुनील मिश्रा जी, महामंत्री जी हैं, और तमाम भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता मंडल से जिले से थे, सभी लोग थे यहाँ पे। हम शिवपुर महिला मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रतिमा मिश्रा। प्रतिमा जी, आज कैवा जन्म दिवस है, 72वां जन्म दिवस है, और हम मोदी जी को ये संदेश देना चाहती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ कि आने वाले 72 साल में भी हमारे मोदी जी ऐसा स्वस्थ और दीर्घायु हो के और उनका जन्मदिन मनाएं और देश के लिए हम लोगों के लिए कुछ करें। हम चाहते हैं कि 72 साल और ऐसे अजर अमर परियोजनाओं का शुभारंभ, परियोजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने किया, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण इतना अच्छा किया, हमारे देश में महिलाएं स्वच्छंद घूम नहीं सकती थी, आज मोदी जी कि सब लोग आराम घूम सकते हैं, खासकर बनारस में उनका संकल्प है बनारस के लिए तो हम लोग घूम ही सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि अब नारियों के लिए कोई बंधन नहीं। मोदी जी ने जो किया 7-8 साल से जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, मैं इस समय 51 साल की हूँ, लेकिन मैं भाजपा से बहुत पहले से भी जुड़ी हूँ, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं। सिंह जी को तीन तलाक वाला जो मामला था, महिलाएं भी बहुत बस वही है कि खुल के सामने जो पढ़ी लिखी शिक्षित हैं वो तो खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन जो थोड़ी दबी कुचली है, थोड़ा जो डरती है घर में, वो नहीं आई है, लेकिन अंदर से सब खुश है। हम लोग भी मुसलमान महिलाओं में उठते बैठते हैं, हमारे गाँव में भी मंडप बहुत खुश है, सब महिलाएं खुश हैं। प्रधानमंत्री को अगले आने वाले समय में भी फिर बिल्कुल, हम तो 72 साल आने वाले 72 साल में भगवान करे वैसा रहे, उनके रुक जाएंगे, उनकी बचपन की उम्र बढ़ती नहीं है, वो भगवान है तो उनकी उम्र वहीं पे रहेगी, वो जैसे हम उसी क्रम में हमारे देश का नेतृत्व करते हैं।